हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन चौक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स व विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करियर अपडेट्स की जानकारी मिलेगी। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपडेट की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2213 दरोगा सार्जेंट पदों के प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यहाँ सूचना है, जिसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ। दिया है कि दरोगा सार्जेंट की बहाली को लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को, एक पेपर कटिंग है तो पटना, इसमें दिया हुआ बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने संभावित तिथि तय करते हुए सभी जिलों के DM को तैयारी के लिए पत्र लिखा है। पंचायत चुनाव के मद्देनज़र आयोग ने सतर्कता बरतते हुए दिसंबर में परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर दरोगा और सार्जेंट की बहाली हो रही है। साल 2019 में इन 2 पदों के साथ सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसके बाद वर्ष 2020 में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद शामिल हैं। इसके लिए करीब 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा जो है कोरोना और विधानसभा चुनाव के चलते अब तक नहीं हो पाई है। कोरोना की दूसरी लहर की समाप्ति के बाद सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तिथि तय कर दी है, जो कि 5 दिसंबर को दिया गया है। तो लगातार इस तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, जय हिंद।